गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। आई एम प्रभा कौशिक, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग लेसन 6, नसरुद्दीन्स एम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हाफ चैप्टर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था और हाफ हम आज कंप्लीट करेंगे और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो नसरुद्दीन होता है वह क्या करता है, वह निशाना लगाता है, लेकिन उसका तीर क्या होता है, निशाने पर नहीं लगता। और फिर सेकंड टाइम वह फिर से वह निशाना लगाता है तो वह सेकंड जो तीर होता है वह पहले वाले तीर से थोड़ा सा आगे गिर जाता है और वह फिर से निशाने पर नहीं लगता। हम आज आगे पढ़ते हैं आगे क्या होता है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन निश्चित ही यह जो तीर है वह निशाने पर नहीं लगा। हिट यानी लगना, ठीक है, तो लेकिन निश्चित ही यह कौन सा सेकंड नंबर जो तीर था, यानी पहले जो तीर चलाया वह भी निशाने पर नहीं लगता और सेकंड नंबर वाला जो तीर है वो थोड़ा सा पहले वाले तीर से थोड़ा आगे लग जाता है लेकिन निशाने पर नहीं लगता। तो इट किसके लिए आया, सेकंड नंबर वाले तीर के लिए, लेकिन यह निश्चित ही निशाने पर यानी टारगेट पर नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। दे कौन, उसके फ्रेंड्स यानी वे नसरुद्दीन से कहने लगे या उन्होंने नसरुद्दीन से कहा। आस्ट मीन्स कहना भी होता है और पूछना भी होता है। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा या पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तुम्हारे तीर चलाने का जो तरीका है क्या यही है, या तुम क्या इस तरीके से तीर चलाते हो कि तुम्हारा निशाने पर नहीं लगता। इसका मीन्स ये है, दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, कि क्या तुम्हारा निशाना ऐसा ही है, क्या तुम्हारा तीर चलाना ऐसा ही है, या इट मीन्स कि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगता क्योंकि तुमने दो बार तुमने ट्राई किया है और दोनों बार तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगा, क्या तुम्हारा तीर चलाने का तरीका यही है। तो नसरुद्दीन क्या कहता है, ऑफ कोर्स नोट, निसंदेह नहीं, ऑफ कोर्स यानी निसंदेह नहीं या बिल्कुल नहीं, आप इसमें से दोनों ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं या निसंदेह नहीं। आर्ग्यूड नसरुद्दीन यानी नसरुद्दीन ने बहस करना शुरू कर दिया या तर्क किया, नसरुद्दीन ने तर्क दिया कि निसंदेह नहीं। आप आर्ग्यूमेंट का मीन्स बहस करना भी होता है या तर्क देना भी होता है, तो आप इसमें से दोनों ही कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने तर्क दिया। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यहाँ तक कि यह जो एम है, यह जो निशाना है वह मेरा नहीं था, यानी यह मेरा एम नहीं था। माइन मीन्स मेरा। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, यह चीफ मीन्स मुख्य, गार्ड मीन्स अंगरक्षक, यह मुख्य अंगरक्षक का निशाना था, यह मुख्य अंगरक्षक का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट। नाउ यानी अब समबडी यानी किसी ने रिमार्क्ड आलोचना करना शुरू कर दिया, या रिमार्क मतलब विशेष विवरण देना, कि मतलब किसी चीज़ के प्रति जो भी अपनी जो भी अपने सोचते हैं या किसी चीज़ के प्रति अपने को जो भी कुछ कहना होता है उसको हम रिमार्क कहते हैं, और वैसे इसका मीन्स होता है आलोचना करना या कोई विशेष विवरण देना। मतलब नसरुद्दीन ने दो बार ट्राई किया तीर लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही वह निशाने से चूक गया, और फिर इस पर जो उसके फ्रेंड्स जो भी आलोचना करते हैं या जो इसके बारे में जो भी कुछ कहते हैं उसको कहते हैं रिमार्क करना। तो नाउ समबडी रिमार्क्ड यानी किसी ने रिमार्क देना शुरू किया या किसी ने रिमार्क दिया। वेल अच्छा, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट, यानी अब आपकी लिस्ट में, अब तुम्हारी लिस्ट में अगला व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट यानी अब तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है, अगला क्या मीन्स है, अगला व्यक्ति कौन है, यानी पहले बार तो तुमने आज़ाद का निशाना कह दिया, पहले बार में तुम तीर चूक गए थे तो तुमने कहा कि यह मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। सेकेंड टाइम तुमने कहा कि यह मुख्य अंगरक्षक का निशाना था। अब तुम्हारी अगली लिस्ट में अगला व्यक्ति कौन है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, यह सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग।
यानी यह सब सुनकर जो सभी जो फ्रेंड्स थे वह ठहाके लगाकर हंसने लगे। बर्स्ट का मतलब हंसी फूट पड़ना या ठहाके लगाना, ठीक है। तो लाफिंग मीन्स हंसने लगे। तो यह सुनकर सभी फ्रेंड्स ठहाके लगाकर हंसने लगे। ओके, नसरुद्दीन डिडंट से ए वर्ड। नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। से मीन्स कहना, या नसरुद्दीन ने एक शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। उसने क्वाइटली मीन्स चुपचाप, पिक्ड अप यानी उठाया, वन मोर एरो यानी एक और तीर। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। एंड अगेन का मीन्स होता है एक बार फिर या एक बार दोबारा। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी। और इस समय नसरुद्दीन वास्तव में भाग्यशाली था। फॉर्चून, लकी मीन्स फॉर्चून यानी भाग्यशाली। और इस समय नसरुद्दीन वास्तव में लकी रहा या भाग्यशाली रहा। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। जो एरो था, जो तीर था, वह राइट ऑन द टारगेट, सही निशाने पर लगा। टारगेट मीन्स निशाने पर, राइट मीन्स सही। तो यानी इस समय नसरुद्दीन वास्तव में लकी रहा और उसका जो तीर है वह सही निशाने पर लगा। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, यानी हर कोई, स्टेयर्ड का मीन्स है गौर से देखना, घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना। एवरीबडी यानी हर कोई नसरुद्दीन को गौर से, यानी गौर से या घूर कर या फिर टकटकी लगा कर देखने लगा। हर कोई नसरुद्दीन को टकटकी लगा के देखने लगा, यानी गौर से देखने लगा। डियर माउथ्स एगेप इन अमेजमेंट। और उनके मुँह है अमेजमेंट, आश्चर्य से एगेप खुले रह गए। और उनके मुँह है आश्चर्य से खुले रह गए। कई बार हमें जिस चीज़ का ज़्यादा आश्चर्य होता है तो हमारा मुँह खुला का खुला रह जाता है, यानी हम कुछ कह नहीं पाते, हम उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। इस तरीके से उसके फ्रेंड भी उसके तरफ गौर से देखने लगे और उनका मुँह है आश्चर्य से खुला रह गया। किस आश्चर्य से? क्योंकि उसका तीर निशाने पर लग गया था, टारगेट पर लग गया था। नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फ बिफोर एनी वन कुड से एनी थिंग, यानी किसी और के कुछ और कहने से पहले ही। एनी वन एंड एनी थिंग यानी कोई चीज़ या कुछ कहना, ठीक है। तो किसी और के, एनी वन यानी किसी और के कुछ कहने से पहले ही, बिफोर मीन्स पहले ही, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली। नसरुद्दीन जीत की खुशी से नसरुद्दीन ने कहा। ट्रायम्फेंटली का मीन्स विजय या जीत। तो नसरुद्दीन ने जीत की खुशी से कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, यह मेरा निशाना था। क्या तुमने देखा, यह मेरा निशाना था, यही मेरा निशाना था। यानी लास्ट में नसरुद्दीन का निशाना कहाँ पे लगता है? उस टारगेट पे लगता है। ओके, उस टारगेट पे लगता है जहाँ, जो टारगेट बनाया गया था। तो नसरुद्दीन को बड़ी खुशी हुई और वह, यानी किसी और के कुछ कहने से पहले ही उसने जीत की खुशी से कहा कि क्या तुमने देखा, यही मेरा एम था, यही मेरा निशाना था। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े मीनिंग देख लेते हैं हम। चेटिंग का मीन्स होता है एन आइडल टॉक, यानी बेतुकी बातें करना। चेटिंग का मीन्स क्या होता है? एन आइडल टॉक यानी बेतुकी बातें करना। आर्चरी का मीन्स होता है वन स्किल्ड इन यूज हाउ बॉ एंड एरोज, यानी जो धनुष और तीर चलाने का की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्चरी। स्ट्रिंग का मीन्स होता है द फाइन कोर्ड, यानी जो धागा होता है। टारगेट का मीन्स होता है एम। ओके, डिफेंडिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, यानी अपने आप का बचाव करना। अमेजमेंट का मीन्स होता है ग्रेट सरप्राइज का मीन्स होता है आश्चर्य या अचंभा। ट्रायम्फेंटली का मीन्स होता है विक्ट्री मीन्स विजय या जीत, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी न्यू वर्ड्स की। ओके, योर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ, सेव योर लाइफ, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।